आज मैं बात करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में, और ये प्रोडक्ट है मामा अर्थ का ओनियन हेयर ऑयल। एक मंथ तक मैंने इसे कंटिन्यू यूज़ किया है, वीक में दो बार मैंने इसकी मसाज की है, और ये देखिए मैं पूरा इसे ख़त्म कर चुकी हूँ। तो अब मैं बताऊंगी कि इसका मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात करें, ये है 150 ml, और 150 ml मुझे पड़ा है 499 का, जो देखे तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और हर कोई इसे इस प्राइस में नहीं ले सकता। और सेकंड, ये जो ऑयल है ये दावा करता है कि ये हेयर फॉल को कम करता है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं करता, और ऑल टाइप्स हेयर के लिए सूट करता है, चाहे आपके हेयर ड्राई है या आपके सिल्की है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें लिखा है कि ये ओनियन हेयर ऑयल है, लेकिन इसमें ओनियन की किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है। ये है मामाअर्थ ब्रांड का ओनियन हेयर ऑयल। इस पर साफ साफ लिखा है कि ये हेयर ऑयल मिनरल ऑयल और सिलिकॉन फ्री है। और इस पर सेकंड ये लिखा है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी ये हमें किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं करेगा। और थर्ड, इस पर ये लिखा है कि सूट्स ऑल हेयर टाइप्स, यानी सभी तरह के हेयर वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस ओनियन ऑयल में ढेर सारे दूसरे ऑयल मिक्स है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, भृंगराज ऑयल, आंवला ऑयल, भ्रमरी ऑयल, सिसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई, लेकिन इसको विशेष का नाम दिया है इन्होंने ओनियन ऑयल, लेकिन ओनियन की इसमें किसी प्रकार की भी कोई स्मेल नहीं है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, इसे आप पर्स में भी डाल सकते हैं, काफ़ी हैंडी है। और ये ऊपर से मेरा कैप टूट चुका है, और ये देखिए ये मेरा कैप टूट चुका है। चलिए अब मैं बताती हूँ इसके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक मंथ तक मैंने इसे यूज़ किया है। सबसे पहले इस हेयर ऑयल की एक अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी लाइट वेट है। जब इसे हम यूज़ करते हैं तो जैसे ऑयल लगाने से जो भारी भारी हेयर लगते हैं वो इससे नहीं लगते, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कोई ऑयल अपने हेयर पे अप्लाई किया है। और सेकंड बात करें तो इस ऑयल को यूज़ करने के बाद मेरे हेयर फॉल जैसे पहले थे वैसे ही अब है। वैसे तो मैं ज़्यादा अपने DIY यूज़ करती हूँ, एलोवेरा ऑयल, आंवला ऑयल मैं अपने खुद के बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास कोई ऑयल नहीं होता, तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल कोई होना चाहिए। इस ब्रांड के बारे में मैंने काफ़ी सुना था तो सोचा मैं भी इसे यूज़ करके देखूँ। तो जैसे मेरे हेयर फॉल पहले थे तो अब भी मेरे हेयर फॉल वैसे ही है, तो मेरे हेयर फॉल में इससे कोई चेंज नहीं आया। सेकंड बात करें जो मेरे हेयर की क्वालिटी थी वो कैसी है, मेरे हेयर की जो क्वालिटी थी वो 20% चेंज आया है। जैसे कि मेरे हेयर काफ़ी ड्राई और फ्रिजी थी, इससे 20% चेंज आया है, लेकिन हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है वो इससे नहीं आया। मेरे हेयर की क्वालिटी में इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया। हाँ, 20% मेरे हेयर ज़रूर अच्छे हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस हेयर ऑयल को ना लें, क्योंकि सबके हेयर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। सबकी, हो सकता है मेरे हेयर पे इसने ज़्यादा कोई अच्छा काम नहीं किया, आपके हेयर पे ये अच्छा काम करे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने इसे एक मंथ तक यूज़ किया है तो सोचा आपको इसके बारे में बताओ। मेरे हेयर पे इसने ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, हो सकता है आपके हेयर पे ये अच्छा काम करे। तो मैं अपने हेयर आपको दिखाती हूँ कि मेरे हेयर, ये देखिए मेरे हेयर में इसने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, ये अभी भी काफ़ी फ्रिजी है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।